हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शहनाज़ दिलखुश रेसिपीज़। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ, चावल की रोटी। तो चावल की रोटी जो बनाने का एक बहुत ही अलग तरीका होता है, तो आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखिए, एक कटोरी चावल का आटा मैंने ले लिया है और इसी नाप से हम पानी भी लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जितना हमने आटा लिया था उतना ही हम पानी लेंगे और उसको हम पानी को बॉईल करने रख देंगे। तो मैंने गैस पर एक पैन रख दिया, उसमें मैं ये पानी ऐड कर रही हूँ। साथ ही साथ इसमें एक चम्मच नमक और एक चम्मच हम ऑयल भी ऐड करेंगे और उसको हम बॉईल होने देंगे। तो ढक कर रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर बॉईल हो गया है पानी हमारा, तो जो हमने एक कटोरी आटा लिया था उसे हम एक साथ डालकर मिला लेंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और उसके बाद इसे ढककर रखेंगे 2 से 3 मिनटों के लिए। इसे सिर्फ मिला लेना है इस तरह से और ढक देना है 3 मिनट के लिए। उसके बाद जैसे ही 3 मिनट हो जाते हैं, हम इसको परात में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये 3 मिनट हो गए तो मैं आप निकाल लेती हूँ और उसको हल्का सा थोड़ा ठंडा कर लेंगे क्योंकि बहुत ही गर्म है ये। और इसके बाद में हम कटोरी में थोड़ा सा पानी लेंगे, हल्का हाथों को पानी लगा के हम इसको गूंद लेंगे आटे को, थोड़ा थोड़ा हल्का सा पानी लगा के। अब ये बहुत ही गर्म है फ्रेंड्स, अपने हाथों को थोड़ा सेफ रखते हुए हाथों से हम अच्छे से इसको गूंद लेंगे क्योंकि इसका चटका बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो अपने हाथों को भी संभालना है, तो हल्के हाथों से ही कीजिएगा फ्रेंड्स। और देखिए, इस तरह से हम उसको गूंद लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर, और जैसे से ठंडा हो जाएगा ये बहुत कड़क होते जाएगा, यानी कि ये सख्त होते जाएगा। तो थोड़ा सा पानी लगा लगा कर इसे गूंदना है। तो देखिए, मैंने इसको अच्छे से गूंद लिया है। अब हम इसके रोटी बना लेंगे। जब आटा सॉफ्ट हो जाएगा तो समझिएगा कि हमारा आटा अच्छे से गूंद चुका है। तो मैं यहाँ पर एक पेड़ा बना लेती हूँ और उसके बाद में हम इसको बेलेंगे। तो बेलने का भी तरीका है फ्रेंड्स, जब हम बेलने जाएंगे तो हम इसको हल्के हाथों से ही बेलेंगे क्योंकि ये चावल का आटा है, इसे हम हल्के हाथों से हमें इसको बेलना है। तो देखिए किस तरह से फटाफट से बेला जा रहा है, बहुत ही सॉफ्ट रोटी बनती है इसकी, बहुत ही मुलायम रोटी बनती है। आप ज़रूर इस तरह से ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक करना है, आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और मेरी जो वीडियो है आपसे मिस नहीं होगी। तो ज़रूर बेल के आइकन में क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए, हल्के हाथों से मैं चावल की रोटियाँ बेल रही हूँ, बहुत ही अच्छे और आराम से एकदम बेली जाती है, कोई भी दिक्कत नहीं होती हमें इसको बेलने के लिए। तो आप देख सकते हैं मैंने कितने अच्छे से इसको बेल लिया है। अब मैं आपको एक और बताती हूँ कि किस तरह से हल्के हाथों से इसको बेलना है। देखिए, इस तरह से पेड़ा बनाकर रखेंगे और हल्के हाथों से हम इसको बेलेंगे, हम इसको ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से हमें बेलेंगे तो बहुत ही आसानी से बेला जाता है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितनी अच्छे से बेली जा रही है। और अपने हाथों से इसको उठा सकते हैं, देखिए आप देख सकते हैं ज़रा भी टूट नहीं रही है कहीं से भी, बहुत ही अच्छे से ये बेली गई है। तो अब हम इसको सेकेंगे। तो गैस पे मैंने एक तवा रख दिया था गरम होने के लिए, तो इसे इस तरह डालिएगा, इसको पानी लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप देख सकें किस तरह से ये फूली जा रही है, अब बहुत ही अच्छे से ये फूल चुकी है, बहुत ही मुलायम, बहुत ही सॉफ्ट। अगर आप इसे बना लेते हो फ्रेंड्स, आप तो ज़रूर से चेक कीजिएगा, ये दूसरे दिन तक जैसी मुलायम है वैसी मुलायम रहती है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होती है और एकदम सॉफ्ट रहती है। आप इसे चिकन के साथ में, चिकन का जो रस्सा होता है उसके साथ में, मटन के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। इस तरह से मैं आपको एक और बताती हूँ कि
इसे आप फुलके की तरह भी सेक सकते हैं। तो देखिए तवा हटाकर गैस के फ्लेम पे ही इसको सेक सकते हैं। यहाँ पर भी आप बहुत ही अच्छे से इसको फुलता हुआ देख सकते हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट रहती है ऐसे भी बनाएंगे तो। तो ये 2 से 3 ट्रिक्स होती है चावल की रोटियाँ बनाने की, जिसके पानी लगा कर भी सेक सकते हैं, लेकिन इसे पानी मत लगाइएगा क्योंकि उसके अंदर ऑयल है और जब हम ऑयल नहीं डालेंगे तब हम उसको पानी लगा कर सेक सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको वो भी ट्रिक्स बता दी है। तो इसी तरह की फुली फुली रोटियाँ बनाने के लिए मेरे इस रेसिपी को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और देखिए आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट है, आपको मैं बताती हूँ कि एक ही मुट्ठी में आ जाती है, इतनी सॉफ्ट बनी है ये, बहुत ही सॉफ्ट। आप ज़रूर से ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। जो कोई पहली बार रोटी बनाने जा रहे हैं तो उन्हें ये रोटी बहुत ही आसानी से आ सकती है। फ्रेंड्स मेरी ये रेसिपी आपको ज़रा भी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकन ज़रूर क्लिक करना है। और मेरी ये जो वीडियोस है ये आपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल से बने रहिएगा फ्रेंड्स। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।